मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से CAA NRC NPR के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया था और लगभग भारत बंद का असर दिखाई भी दिया। CAA के विरोध में लोकल ट्रेन रोक दी तो वहीं मुंब्रा बाईपास पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने वाहनों को रोक दिया था। मुंब्रा में सुबह से ही दुकानें बंद रहीं, मगर कुछ ऑटो रिक्शा चल रहे थे। रिक्शा बंद करवाने के लिए कुछ लोगों ने रिक्शा चालकों से बंद का आह्वान किया कि आप भी समर्थन करें और रिक्शा बंद करें, मगर वहीं पर अतीकुर रहमान सिद्दीकी नाम के एक व्यक्ति ने बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा बंद का विरोध किया। कहा कि मुंब्रा को बेवजह बंद करवाया जा रहा है। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से आज मुंब्रा बंद रहा, मगर जैसे ही इस व्यक्ति ने बंद का विरोध किया लोगों में गुस्सा आ गया और इसे वहां से भगाया गया। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। अतीकुर रहमान विरोध क्यों कर रहे हैं सुनिए। विरोध करता हूं, मैं मुकम्मल विरोध करता हूं। ये जो मुंब्रा बंद कराया जा रहा है बिल्कुल गलत है। वामन में मुंब्रा नहीं, भारत बंद है आज, पूरा भारत बंद है। कलवा बंद कराया क्या? जो कलवा बंद करा रहे भारत बंद है भारत, उससे पहले पूछो। ये तहरीक एकदम गलत तहरीक है। सारे भारत में एक तहरीक चल रही है, हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये तहरीक चल रही है, ये तहरीक चल रही है। वामन मिश्राम सज्जाद नोमानी साहब एक तहरीक लेके चल रहे हैं कि DNA की बुनियाद पर NRC लागू हो, DNA के बुनियाद पर NRC लागू हो। ये गलत तहरीक है, इसका समर्थन बिल्कुल मत करो। सज्जाद नोमानी साहब, वामन मिश्राम जो तहरीक है, सारे भारत में एक तहरीक चल रही है, हम कागज नहीं दिखाएंगे। जब हम कागज नहीं दिखाएंगे तो DNA कराएंगे और DNA करा के बोलेंगे कि DNA हम विरोध कर रहे हैं। बंगा विरोध करो, बंगा समर्थन करेगा। समर्थन विरोध गलत है भाई, ये गलत है। ये तहरी को समझो ना आप, क्या समझता हूँ। ये लोग बोले DNA की बुनियाद पर NRC लागू। भाई साहब आप इतना लंबा मत जाओ, हमारे तो पहले खड़ो के लग रहे ना। आप उधर पे नहीं है, आप इधर फसाद मत करवाओ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, फसाद मत करो। आप चुपचाप अभी निकल लो, बस हो गया, बहुत हो गया आपका। वो पागल नहीं है, अरे पागल है क्या? हमारे पहले पूरे वही मुंब्रा बाईपास पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने वाई जंक्शन के पास CAA NRC NPR का विरोध किया और मुंब्रा बाईपास से गुजरने वाले वाहनों को रोक दिया, जिसके वजह से काफी ट्रैफिक जाम हो गई। वाई जंक्शन गाड़ी चल रही थी, 100% मुंब्रा बंद था। वाई जंक्शन पे हम लोग बंद कराने गए और हमने बंद कराया, वहाँ पे नारे लगाए। 10 मिनट में पुलिस आके हमें अरेस्ट करके ले गए पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में आने के बाद वहाँ पे पूरा कायदा कानून हुआ और उसके बाद हमारे अध्यक्ष अनीस कुरैशी आए, उन्होंने हमें बाहर निकाला। आप लोग बाईपास पे क्या वाहन रोके थे क्या? हाँ, वाहन 10 मिनट के लिए शांतिपूर्वक वाहन रोके थे। ट्रैफिक तो जाम होती है, तोड़फोड़ नहीं किया, तोड़फोड़ हमने मतलब कुछ वायलेंस नहीं किया। आज बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से भारत बंद का जो ऐलान किया गया, तो उसमें ये लोग वहाँ रोड पे लोगों को बंद कर रहे थे, इसकी वजह से उनको महाराष्ट्र पुलिस एक्ट कलम 69 के मुताबिक डिटेन किया था। अभी उनको 149 की नोटिस देके उनको छोड़ा गया। कहाँ पर ये लोग जो है बंद? ये वाई जंक्शन के पास में, वो रास्ते मुंब्रा बाईपास। कितने लोग थे ये लोग? 5 लोगों को हमने डिटेन किया था, अभी उनको ये रिलीज किया हुआ है। आज जिस तरह से और बंद का माहौल है शहर में, तो इस मुंब्रा शहर में क्या और भी कुछ किसी तरह का कुछ हुआ क्या सामने? नहीं, बाकी कुछ नहीं, बाकी बंदोबस्त लगाया हुआ है। हमारी पूरी पुलिस बंदोबस्त में है और बंदोबस्त अच्छी तरह से लगाया है, इसलिए शांतिपूर्ण है। मौके पर पहुंची मुंब्रा पुलिस ने 5 शिवसेना कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उन्हें 149 के तहत नोटिस भी दिया। मुंबई में भारत बंद का असर देखा गया। CAA NRC NPR के विरोध में करते हुए प्रदर्शनकारियों ने लोकल ट्रेन रोक दी। यात्रियों और प्रदर्शनकारियों के बीच कहा सुनी भी हुई। वहीं अगर कुर्ला में दुकानें बंद होने की बात करें तो ज़्यादातर दुकानें कुर्ला में भी बंद रही और बंद का असर कुर्ला में भी देखा गया। CAA NRC NPR के खिलाफ जिस तरह से आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, लगभग पूरी तरह से आज भारत बंद रहा। शांतिपूर्ण तरीके से मुंब्रा भी बंद रहा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।